बट समाइम्स देयर कैन बी सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे फर्म के लिए ग्लोबली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना मुश्किल हो जाता है और वो अपनी कॉस्ट मीन द लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशनस को देखते हुए अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है और वो जो कॉस्ट को मिनिमाइज़ तो करते हुए जो आउटपुट गेन करती है तो अब वहाँ पर आइदर दैट इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट दैट इज़ एन एग्रीकल्चरल और एनी टाइप ऑफ द अदर सर्विस प्रोवाइडर वट एवर इट कैन बी तो वो क्या करता है कि वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करता है कि विद दैट गिवन रिसोर्स और द कॉन्स्ट्रेंट्स जो उसको अवेलेबल थे वो कॉन्स्ट्रेंट किस फॉर्म में हैं उसके इनपुट क्वांटिटी और मार्किट प्राइस ऑफ रिसोर्स को देखते हुए जो अवेलेबल बजट है विद डेट गिवन बजट के साथ वो मैक्सीम रेवेन्यू कैसे हासिल कर सकता है एंड नाउ वेन वी सी द कॉन्स्ट्रेंट तो हमें अब देखना होगा कि ये एक सिचुएशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट मैक्सिमा को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो कॉन्स्ट्रेंट मैक्सिमा को सॉल्व करते हुए हमेशा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है जो कि इस सिचुएशन में हमारे पास रेवेन्यू है एंड द अदर पार्ट और द अदर कंपोनेंट इज दैट कॉन्स्ट्रेंट जो कि इस फॉर्म में हमारे पास रिसोर्सेज हैं या बजट या कॉस्ट है उस फॉर्म नाउ कमिंग टू दिस हम अगर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो फार्मर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या एनी है वो मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को और रेवेन्यू हमेशा प्रोडक्ट होता है आउटपुट प्राइस और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ पी इन वाई एंड दिस रेवेन्यू इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द

प्रोडक्शन फंक्शन को हम सिंपल फॉर्म में कहें कि दिस इज़ आवर प्रोडक्शन फंक्शन और जहाँ पे ये टोटल प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है एंड कीपिंग इन द प्रीवियस फंक्शन वी कैन से दिस इज़ आवर फिक्सड कॉस्ट दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट एंड लाइक दिस दिस इज आवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज़ आवर मार्जिनल कॉस्ट का एंड दिस टोटल प्रोडक्शन में अगर हम कहें तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है और इसी बेस पे अगर हम कहें तो हमारा एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो इस फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है अब नाउ व्हेन वी सी कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो हमारे पास यहाँ पे है और दूसरी तरफ ये हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व्स हैं ये एक्चुअली एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे होते हैं मेन जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम अगर देखेंगे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो लोएस्ट आ रहा होगा एंड लाइक वाइज जब टोटल प्रोडक्शन कव मैक्सिमम हो रहा होगा तो उसके वे में अपोजिट पे जो हमारी कॉस्ट है वो भी मिनिमम जा रही होगी अब ये जो टोटल प्रोडक्ट कव है या मार्जिनल प्रोडक्ट कव है या एवरेज प्रोडक्ट कव है अगर हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई बाय द आउटपुट प्राइस कर देते हैं तो दिस पी इन टू वाई इट टेक्स द शेप ऑफ द रेवेन्यू और उसी तरीके से इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाई बाय द पी तो ये एवरेज रेवेन्यू है एंड इफ़ दिस मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ मल्टीप्लाई बाय आउटपुट प्राइस तो ये मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता तो इट मींस कि प्रॉफिट को अगर हमने मैक्सिमाइज़ करना है तो दैट विल बी मैक्सिमाइज़ थ्रू द अगेन द वर्किंग ऑफ दिस आउटपुट एंड दिस आउटपुट बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड विद द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली एक कॉस्ट आ रही होगी और इस कॉस्ट को इनकर करते हुए अगर हम देखें हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो डेफिनेटली इफ वई है दिस रेवन्यू दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पी इन वाई and that will be the function of this xi into x2 and when we have to optimize this revenue with the utilization of this xi and x2 we will work out that what is the impact of change in the amount of this input to the change in the revenue mean एक इनपुट की डिमांड को कम करने से या बढ़ाने से हमारे रेवेन्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और डेफिनेटली ये इनपुट की क्वांटिटी हम क्यों चेंज करेंगे एक एंटरप्रेन्योर हमेशा मार्केट फोर्सेस को देखते हुए अपने इनपुट की क्वांटिटी को एडजस्ट करेगा सो मार्केट में फैक्टर की प्राइस के चेंज होने से हाउ द फैक्टर डिमांड कर विल चेंज एंड हाउ दैट फैक्टर डिमांड विल फर्दर अफेक्ट द रेवेन्यू और द एंटरप्रन्योर और द प्रोडूसर इज मोर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन द रेवन्यू सो दैट दैट एंटरप्रन्योर कैन एडजस्ट इट्स रेवेन्यू इन दैट फॉर्म कि जहाँ पे ये अपना मैक्सीमाइज कर सके और या हम कहें कि वे आर द मार्जिनल रेवेन्यू इट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट